लेंथ है आपकी वो कितनी दी है देखो प्रॉब्लम में एफ इज इक्वल टू कितना दिया अपना 50 सेंटीमीटर ठीक है कितना दिया 50 सेंटीमीटर ठीक है ये प्रॉब्लम आपको ही करना है बस मैं आपको थोड़ा सा उसकी ओवरलुक दे देता हूं बाकी कैलकुलेशन आपको खुद करना है देखो फोकल लेंथ दिया 50 सेंटीमीटर डिटरमाइन द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन आपको क्या निकालना है उसकी पोजीशन मतलब वी निकालना है और एम निकालना है ठीक है ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट दिया ऑब्जेक्ट मतलब यू और ऑब्जेक्ट ऑलवेज इज नेगेटिव 25 सेंटीमीटर ठीक है आपको क्या निकालना है उसकी पोजीशन निकालना है मतलब वी निकालना है और एम निकालना है ठीक है अब ये प्रॉब्लम में आप क्या करते हो जैसे फ्रॉम फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला आपका 1/v - 1/u = 1/f यहां से आपको क्या करना है v निकालना है वैल्यू पुट अप करो चेंज करो यहां पे आप ये सॉल्व करके v की वैल्यू निकालो ठीक है इस प्रकार से अगर हो गया आपका यहां पे आपकी v की वैल्यू जो भी आएगी वो निकालना बाद में दूसरा फॉर्मूला यूज करना मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी बाय यू ठीक है अब यहां पे जो भी आपकी वैल्यूज आएगी ठीक है ना अब यहां पे जो आपकी वैल्यू आएगी v की जो वैल्यू आएगी v की वैल्यू v की जगह पे पुट करना u आपका दिया बेटा कितना माइनस 25 सेंटीमीटर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना और m की वैल्यू निकालना ठीक है अब यहाँ पे जो m की वैल्यू आती है आपकी यस वो आप वहां पे लिख देना ठीक है इस हिसाब से क्या रहेगा आई थिंक यहाँ पे 2 ये ऐसा कुछ तो भी आता मैग्निफिकेशन ठीक है तो ये आपको देखना पड़ेगा जो भी आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा बेटा मैग्निफिकेशन 2 ठीक है चलो अब ये कैलकुलेशन आपको करना है जस्ट मैंने आपको पूरा रास्ता बता दिया है क्या नहीं फॉर्मूलाज बताए सिंपल अगर आपका गलत भी हुआ होगा तो उसमें वैल्यू पुट अप करना और सॉल्व करके देखना ऐसा रहता है बेटा ठीक है अब चलो आगे एक थर्ड प्रॉब्लम भी इसी से रिलेटेड है सेम टू सेम करके मैं उसको ज्यादा नहीं ले रहा हूँ आप उसको ट्राई करना ठीक है नेक्स्ट है बेटा फोर्थ और फिफ्थ में से फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम ले रहा हूँ क्योंकि दोनों रिलेटेड थे चलो क्या दिया बेटा कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर फॉर्मूला वही अपना कौन सा फॉर्मूला नहीं फॉर्मेट आंसर में क्या रहेगा बेटा गिवन दैट ठीक है क्या दिया है आपको फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू कितना 25 सेंटीमीटर और क्या निकालना है पावर निकालना है ठीक है जब भी आप ऐसा करते हैं तो क्या है आपका फ्रॉम फॉर्मूला ठीक है अब आपको हमेशा एक चीज पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या है यस पी इज इक्वल टू 1/f और f जो है फोकल लेंथ जो है पावर क्यों हमेशा किसमें एक्सप्रेस करते हैं अपन मीटर में ये चीज मैंने आपको बोली थी कि फोकल लेंथ देखना सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना शुरू में किया तो भी चलेगा बाद में किया आंसर को तब भी चलेगा ठीक है और साथ में पावर का यूनिट जो होता है डायरेक्ट पर लास्ट में चेंज करते हैं उसको देखिए पी इज इक्वल टू 1/ कितना 25 सेंटीमीटर ठीक है 1/25 सेंटीमीटर तो पावर इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 0.04 सेंटीमीटर ठीक है अब ये जो पावर है आपका 0.04 इसको अगर 1/25 को अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर आता है 0.04 अगर इसको सॉल्व करते हो तो आ जाएगा अब ये जो पावर है ये पावर मिला आपको सेंटीमीटर में इट मीन्स दैट ये जो आंसर है ये जो है ये सेंटीमीटर में है क्यों जबकि पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा डायोप्टर होता है लेकिन ये जो फोकल लेंथ जो दी है आपको सेंटीमीटर में इसको क्या करेंगे आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पावर इज इक्वल टू क्या होगा इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देगा तो ये आंसर हो जाएगा आपका 4 और हमेशा जो 4 नहीं है इसको एक्सप्रेस करते हैं प्लस में ठीक है तो आंसर आएगा +4 और यूनिट आएगा उसका डायोप्टर तो लास्ट में आप सेंटेंस में क्या लिखते हो देयरफॉर द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज क्या लिखोगे द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज +4 और कैपिटल डी मतलब क्या होता है डायोप्टर ठीक है उसी से रिलेटेड और एक दूसरा भी प्रॉब्लम था कि जो इजी है बिल्कुल ठीक है तो सेंटीमीटर का मीटर में करना ये चीज ध्यान में रखना ये चीज मैंने आपको इसके पहले पढ़ाई है ठीक है तो ये जब था बेटा जो कुछ प्रॉब्लम्स में कुछ बच्चों को जो डाउट्स आए थे जिन्होंने मुझे पूछे तो उनका एक्सप्लेनेशन ठीक है और यही रुकते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ
हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम बेटा जो आपकी टेस्ट हुई इसमें कुछ बच्चों को बहुत सारा डाउट्स था कि सर हमें प्रॉब्लम नहीं समझा, आंसर नहीं निकला, तो उसी को नजरअंदाज न करते हुए अपन जो टेस्ट का एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम में जो डिफिकल्टीज है वो दूर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेस्ट एक्सप्लेनेशन में आपका जो पहला जो प्रॉब्लम था उसमें क्या था। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट था वो कहां पे रखा था, 60 सेंटीमीटर पे रखा था इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कौन सी लेंस के सामने? कॉन्वेक्स लेंस के सामने। इट्स रियल एंड इनवर्टेड इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। जब उसको वहां पे अपन ने रखा था 60 सेंटीमीटर पे, तब वो लेंस का जो सहारा है वो वहां पे जो वहां फिनोमिना हुआ वहां से एक जो उसकी इमेज मिली ऑब्जेक्ट की वो मिली बेटा 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, फ्रॉम द लेंस और लेंस के पास फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो आपको क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालना है। तो अपना वही फॉरवर्ड रहेगा आंसर। आंसर में हमेशा की तरह अपन क्या लिखते हैं? गिवन दैट। ठीक है, गिवन दैट होने के बाद में देखो क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा अपन यू से शो करते हैं, कितना दिया 60 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस एट द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। तो यहाँ पे 60 की जगह अपन क्या लिखते हैं? -60 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? चलो आगे, बाद में क्या दिया है बेटा? उसकी इमेज, इमेज मतलब वी क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर। इसको निगेटिव नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज है हमेशा राइट साइड में मिलती है और राइट साइड की सभी वैल्यूज ये पॉजिटिव होती है। समझ में आया? चलो, तो वी इक्वल टू क्या है? 20। क्या निकालना है? फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अब क्या है आपके पास में? फ्रॉम फॉर्मूला। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? 1/v -1/u = 1/f। ये कौन सा फॉर्मूला बेटा आपके पास में? यस, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो। 1/v की वैल्यू कितनी है? 20 -1/-60 = 1/f। ठीक है, देखो वैल्यू पुट अप किया, वही अगर एलसीएम जमता है तो एलसीएम से कम नहीं तो अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही 1 × -60। यस, -60 मिडल साइन जैसा का वैसा, 1 × 20 कितना हो जाएगा बेटा? यस, -20 / 1 × 20 होगी, माइनस साइन जैसा का वैसा। नीचे क्या आएगा? 20 × -60 = 1/f। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। -60 × -20 कितना हो जाएगा? यस, -80 / 1 ये कितना हो जाएगा? यस, -1 × 200 = 1/f। ठीक है, देखो 60 − 60 − 20 − 80 और ये 6 × 12 और 2 0 छोड़ा तो माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस विल बी कट। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर आप सीधा लेते हैं, 1/f = कितना हो जाएगा? 80 / 1 × 200। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब अपने को निकालना क्या है? f। ठीक है, और यहाँ पे 1/f, उसका रेसिप्रोकल करो, f = ये कितना हो जाएगा? 1 × 200 / 80। 1 0 1 0 will be cut, यहाँ पे क्या हो जाएगा? f = ये कितना हो जाएगा अपना? 60, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, आप मैं कर दो 4 और ये क्या हो गया? 60। ठीक है, तो फॉर दैट टू सिक्स आर 12। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा बेटा आपका f = 4 × 1 = 4 × 15 = 60। ये हो जाएगा अपना फोकल लेंथ, कितना है? f = 15 सेंटीमीटर। अब ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा? प्लस आ, इसका मतलब आपको पता है कि प्रॉपर्टीज में अपने देखे थे कि फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंस इज पॉजिटिव। सो देयरफॉर लास्ट में स्टेटमेंट टाइप से फाइंड बोला था, फाइंड निकाल दो क्या आ जाएगा? द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कितना? 15 सेंटीमीटर। इजी था बिल्कुल, ये था बेटा आपका पहला आंसर। ठीक है, उसी से रिलेटेड देखो सेकंड क्या है आपका, क्या दिया था सेकंड प्रॉब्लम? कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। फिर से अपना वही आंसर, आंसर में अपन क्या लिखते हैं? गिवन दैट। ठीक है, गिवन दैट में क्या दिया? फोकल लेंथ दिया।